का सीन। ये देखो ये दो नाच रहे हैं, ये ओ यस, लग रहा है ऐसे गाड़ी डाल दूं। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी जावेद एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल एक्सप्लोर करने। तो चलो मैं आपको भी दिखाऊंगा क्या कैसा वाटरफॉल कैसा है और कितना अमेजिंग है, वो जाके ही पता चलेगा। सो मैंने अपने दोस्तों को कॉल कर दिया और वो लोग रेडी हो चुके हैं, वो आगे मिलेंगे एंड हम लोग अभी चलेंगे। अभी एक प्यारा सा माउंटेन मिलेगा एंड फिर वहाँ से वो लोग वहाँ पास वो लोग मिलेंगे, फिर उसके बाद उन लोगों के साथ हम चलेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ तो भाई, अब भी अपन आ गए हैं इस मस्त वाले जो पहाड़ वाला पूरा एरिया है ना यहाँ पे, एंड जस्ट टेक ए लुक यहाँ की जो रोड्स है ना, कितनी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं आगे का सीन। ये देखो ये दो नाच रहे हैं, ये हाँ वही। That's just karma. Go play the part, play the victim. Throw a pity party with the demons. तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी ये जस्ट ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है, यहाँ से हम लोग आ गए नीचे। अभी हम जा रहे हैं लोकेशन पे, बिकॉज़ मेरे को लोकेशन पता नहीं है, राजू भाई को लोकेशन पता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं सिरमौर से हूँ, लेकिन ये मैं पहली बार जा रहा हूँ इस जगह में। बाकी आपको वहाँ चल के मैं आपको लोकेशन दिखाऊँगा क्या कैसा है। आज ये कुछ डिफरेंट लग रही भाई बाइक चलाने में, तो मैं आगे नहीं निकलूँगा क्योंकि ये लोग आगे जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को लोकेशन पता है। वैसे आप देख सकते हो व्यू, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यार, इधर देखो। तो अपना ये सेकंड ब्लॉग है गाइस, जैसा कि आपको पता है, और फर्स्ट ब्लॉग में मैंने आपको इतना कुछ नहीं दिखाया था। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी गाइस कि उसमें जो कैमरा एंगल था ना, वो बहुत ही गंदा है यार, क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कैसे क्या रखना है। फिर मैंने उसको क्या किया गाइस, एकदम से उसको रेक्टिफाई किया, फिर उसके बाद मैं उसका एंगल जो है उसको सेट किया अच्छे से। अरे भाई साहब धूल, तो जब मैंने उसका एंगल सही किया तो अभी आई थिंक एंगल बहुत ही अच्छा आ रहा होगा। तो आपसे जो ब्लॉग अपने आएंगे ना, वो कंटिन्यू आएंगे और बहुत ही प्यारा ब्लॉग आएगा। कहीं ना कहीं हम लोग अच्छी जगह जाएंगे और राइड करेंगे। अरे बाप रे बाप। तो आज का जो अपना रहेगा ये रहेगा कुछ वाटरफॉल टाइप में ब्लॉगिंग है ना, वो किए नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आदत लग जाएगी वैसे वैसे ये भी सब कुछ सही हो जाएगा और मज़ा आएगा भाई ब्लॉगिंग करने में। क्योंकि देखो, अपना जो सपना है ना वो मोटो ब्लॉगिंग है गाइस, यूट्यूब पे कुछ करना है, ये ऐसा मैंने सोचा है। क्योंकि मैंने ना जॉब से रिज़ाइन दिया है सिर्फ और सिर्फ किस लिए, यूट्यूब की वजह से गाइस। अभी इसका सीन मुझे आगे नहीं पता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आई नो मेरे को 2 ईयर तक इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। देखो मैं पहली बात, मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं आ रहा हूँ गाइस, यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ नाम बनाना है गाइस, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने स्टेट का, फिर अपने इंडिया का। आई नो बहुत सारे लोग हैं, बट उन बहुत सारे लोगों में हम भी कुछ हैं, बट डिफरेंट करना चाहते हैं गाइस, कुछ डिफरेंट अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करना चाहेंगे। और फ्यूचर में हम लोग मनाली जैसी ट्रिप मारेंगे गाइस। और देखो बच्चे कैसे देख रहे हैं भाई, ओ भाई सही है भाई, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, बाइक से बहुत ही ज़्यादा लव रहता है उनको। ओके, ये रुका रहे हैं भाई किस लिए। ओह यस, लग रहा ऐसे गाड़ी डाल दूं भाई साहब। गाइस लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू गाइस।
सही है, देखो इधर से जा रहा है ये पानी, और ये पानी जो आ रहा है ना वो नीचे से आ रहा, मतलब ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ। वो जो दिख रहा है ना उधर, आई नो आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, बट वहाँ से नीचे आता है और फिर यहाँ से ये जाता है गंगा नदी में, जो कि इलाहाबाद के पास पड़ता है प्रयागराज। तो यही है व्यू गाइस, चलो कुछ आपको और कुछ दिखाते हैं। भाई स्टैंड, ओह बाइक में मत लगना मेरी जान। तो लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। ये है, और ये है अपनी MT-15, और ये हमारे दोस्त हैं जो कि हैं ब्लॉगर ही हैं, और इनका नाम है कैप्टन मुसाफिर, और इनका नाम है इपिक सुमित ब्लॉग। लाइक दिस इपिक सुमित ब्लॉग दिख रहा है आपको, कितना 2.0, यस फर्स्ट ब्लॉग में मैंने बता दिया था 0.2, नो गाइस 2.0। तो चाबी ये है अपने पास, और देखो ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है ना, नहाने का दिल कर रहा है, पर अफसोस मैंने कुछ लेके आया नहीं है, नहाना नहीं है अपन को। ओके तो गाइज सीन ऐसा है कि राजू भाई गए हैं अभी ट्रैक देखने, क्योंकि ये फेयरिंग बाइक है, नीचे से लगना नहीं चाहिए, अगर नीचे से लग गया तो अपने को नुकसान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी कैप्टन मुसाफिर है, वो अपना कैमरा सेट कर रहे हैं, और वो ये बाइक लेंगे, हम ये बाइक लेंगे, और वो ट्रैक देख लिए हैं, उधर से गो अहेड दे दिया कि आ जाओ तुम लोग। हम लोग क्या करेंगे, अभी इधर से जाएंगे और बाइक लेके इधर से जाएंगे, सोच रहे छोटा सा कैंपिंग करने के लिए। वैसे भी आपको सब कुछ दिख रहा है यार, इतना प्यारा है सब कुछ यार, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो यार लेट्स गो, चलते हैं और दिखाते हैं आपको कहाँ भी हम लोग को स्टे करना है नेक्स्ट। यस गुड बाय, टेक केयर। आ गए क्या भाई, ओके तो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड ये दो बंदे पहले ही पहुंच गए, वो देखो, और यहाँ देखो पहले से ही कोई यहाँ पिकनिक वगैरह मना लिया भाई। खैर ठीक है, अभी हम लोग थे उधर उस साइड, अभी हम लोग लुक एट द ब्यूटी। ओके सो ओ माय गॉड, आप देख सकते हो गाइज लाइफ इज दिस, ये दोनों को देखो बैठे हुए हैं अभी, ये लोग एकदम इंजॉय करते हुए, ये लोग प्लान बना रहे हैं कि अभी किधर चलना है, बट अभी देखो इसको, देखो लुक एट द व्यू लाइक दिस भेड़ाघाट। ओके सो कितना प्यारा लग रहा है, अगर हम इधर गए तो इधर से अगर कोई बंदा गिरा तो इससे ऊपर नहीं आएगा, आई थिंक तैरने वाला आ सकता है ऊपर। ओके और ये किनारे किनारे क्या है, वो जो पानी आपको दिखा था शुरू में वो वाला है, और अपन आए हैं इस पहाड़ के उधर से, मतलब इतनी ऊंचाई से इधर साइड से आपको दिख रहा होगा। और ये है यहाँ, ये जो पानी है ना इससे बिजली बनता है, जो कि वहाँ से आ चुका है पानी, और ये इतना नीचे इसको क्यों बनाया गया आई डोंट नो, और ये पानी इधर से आ रहा है गाइस। वैसे आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू लग रहा है, मस्त लग रहा है, बोले तो एकदम जहर वाला। तो यही था, चलो अभी कुछ कैंपिंग का हम लोग प्लान बना रहे हैं, अभी इन लोगों का क्या प्लान बन रहा है देख रहे हो, इन लोगों का क्या प्लान बन रहा है ये लोग बताएंगे कि कैंपिंग का क्या प्लान है इन लोगों का। अभी चलो इसमें अभी अपन को नहीं पता कि कैंपिंग कहाँ करने वाले ये लोग कहाँ नहीं, क्योंकि ये लोग प्लान बना के पहले से ही आए थे कैंपिंग का। तो ये सब व्यू है गाइस, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना ज़रूर। ओके सो उधर थे ना वो वाली साइड, तो ये भी लोकेशन बहुत प्यारा है यार, बना सकते हैं यार यहाँ पास भी, क्योंकि यार अपन आने वाले वीडियो में कैंपिंग भी करेंगे। हाँ जा सकते हैं यार, छोटा सा हाँ वो वाला पूरा व्यू आएगा, हाँ पूरा सही है, ठीक है ठीक है, तो वो कर देते हैं, हाँ गाड़ी वहाँ खड़ी कर देते हैं, यहाँ लेके नहीं आते क्योंकि यहाँ फेयरिंग है, वो फेयरिंग में लग जाएगी। तो ठीक है वो वाला हम लोगों ने डिसाइड किया, देखते हैं, अभी वहाँ भी गए नहीं है,
बट एक बार डिसाइड किया है तो जाके देखते हैं क्या कैसा सीन है वैसे उधर का। और ये लोग किस क्या प्लान बना रहे हैं बनाने के लिए, आई डोंट नो गाइस, बट चलेंगे, मज़ा आएगा भाई, अपन को मज़ा आएगा। तो आप भी वीडियो पे बने रहना, आपको भी मज़ा आने वाला है। देखो अपन ऐसे कुछ न्यू न्यू जगह एक्सप्लोर करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे अच्छी अच्छी जगह। और घूमने का शौक तो अपन को उन्होंने खड़े हुए हैं वहाँ जाने का। और देखो मेरे सेफ्टी शूज़ नहीं है, बिकॉज मैं आज शूज़ जो पहन के आया था वो कपड़े का था भाई, और कपड़े का शूज़ ये जो है ना छोटे छोटे, ये मेरे को नहीं पता ये क्या है, ये उसमें चुभ गए भाई, और साला छोड़ भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे साले की गर्लफ्रेंड हो भाई वो, तो पूरे शूज़ में लग गया भाई और चुभता बहुत ख़तरनाक है। तो हमको इधर से चलना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। ओ यस ओके, तो आ चुके हैं, अभी हमको जाना है उस पार, तो चल रहे हैं छोटी सी। ओ भाई देखो छोटी छोटी मछली, ओ भाग गई भाई। चलो राजू भाई, राजू भाई ओ आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे ना। ओ भाई वो बोला उधर से आओ यार। ठीक है आई विल ट्राई गाइस, आई विल ट्राई, गोप्रो है रे मेरा। ओके 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 डोंट वरी, चले जाएंगे भाई, कोई बहुत बड़ी मुश्किल थोड़ी है। ये देखो लुक एट द व्यू गाइस, तो अब इधर आ गए। और जानते हो इधर किस लिए आए हम लोग, सोचो मैगी बनाने के लिए भाई। ओ भाई देखो, और इधर का व्यू देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, लुक एट द व्यू गाइस। उधर अपना हेलमेट और शू, बाइक उधर है इसके जस्ट ऊपर। तो इधर हम लोग आ गए गाइस, तो चलो जल्दी से कार्यक्रम शुरू करते हैं, नहीं अपना फंक्शन शुरू करते हैं। एंड मुसाफिर, और ये देखो ये लोग मैगी बना रहे हैं, देखो कैसी रेसिपी है, ये लोग ऐसा बनाए मैगी, और देखो आग जला के मैगी बनाया गया भाई। अब आप लोग बोलोगे कि कहीं इसमें आग तो नहीं लगेगा पहाड़ माउंटेन में जैसे इधर, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। और देखो इन लोगों की रेसिपी, तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो मौसम कितना प्यारा है, वाटर और ठंडी का मौसम है तो अच्छा लग रहा है। और अगर आपके ऐसे ही दोस्त इकट्ठा हो जाए और अपने फ्रेंडों के साथ ऐसे घूमने में देखो कितना ही मज़ा आता है भाई, हमको तो देखो बहुत ही मज़ा आता है ऐसी लाइफ यार। देखो सिटी में मैं भी था बहुत दिन तक था, लेकिन ऐसी लाइफ नहीं मज़ा आता यार, जॉब में वही सीन रहता है रोज़ का आना जाना और शाम सुबह बस वही चीज़। तो गाइस यही चीज़ है, और ये फाइनली गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जैसा कि राजू भाई हमारे ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रहे हैं, ओके लेट्स सी, ये बात सही नहीं आई, ए धूल में आ जाएगा भाई, ये बात चलो सही है, नहीं 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 सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो चलो गाइस चलते हैं। नहीं गुरु कुछ नहीं आया यार, राजू भाई हमारे ड्रिफ्ट मारते हुए टायर को थोड़ी ऐसी की तैसी होते हुए, बैठो बैठो तो ओके गाइज यही था अपना लोकेशन।
लगना नहीं मेरी जान, लगना नहीं। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ओ भाई, एक मिनट रुक ले। ओके चलें। ये जो है ना, यही इसी की दिक्कत है, बाकी सब तो सही है। टायर वगैरह पंचर ना हो मेरी जान। ओके, तो हम लोग निकल लिए भाई, तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि आपको ये लोकेशन कैसा लगा। आई नो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे यार थोड़ा मेहनत तो देखो करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है जी। फोटो लो, बहुत मस्त है। एक फ़ोटो ले लो ब्रो। तो गाइस देख रहा हूँ इधर का सनसेट, और ये पॉन्ड है छोटा सा, और अभी हम लोग हैं अपने एमटी में। आरआर को मैंने दे दिया राजू भाई को, वो चला रहे अभी, और जो मज़ा ये चलाने में है ना वो क्या ही बताऊँ भाई। ये एकदम कंफर्ट बाइक है भाई। अरे 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 अरे, अरे भाई, तो यही है गाइस अपना। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और कमेंट्स करके बताना ज़रूर आपको क्या कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा। तो चलो यार इधर से निकलते हैं जल्दी से। लुक एट द व्यू गाइस, यही है, और अपन को अभी चलना है इस पहाड़ के ऊपर, तो आपको सब कुछ दिखाऊंगा गाइस। अभी जस्ट आप देख लो, जब गाड़ी 55 प्लस हो जाती है ना तब विंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी। आई नो आगे चल के हम लोग सोनी का माइक ले लेंगे तो सही हो जाएगा। तो गाइस जो मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ वो व्यू अब आने वाला है। यही व्यू के कारण मैंने अभी तक वीडियो एंड नहीं किया, तो वो जो व्यू है ना अभी आपको दिखेगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं ऊपर, मतलब इस पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। ये पहाड़ समथिंग 450 फीट नीचे है, ऊपर है। तो लुक एट द व्यू गाइस, आई थिंक आपको दिख रहा होगा हम लोग वहाँ थे अभी, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये देखो कितना प्यारा व्यू है भाई। तो इस व्यू के लिए मैंने आपको अभी तक वीडियो एंड नहीं किया, यही था। तो यही था आज का ब्लॉग गाइस। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप लोगों को कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा और कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कैसा है। क्योंकि अगर आप ये बताओगे तो हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बताओ नेक्स्ट ब्लॉग किस पर लाया जाए, मतलब कैसे कौन सी राइड, तो आप लोग बताना गाइस। बाकी आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।